नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये दोस्तों क्लास 11th की एनसीईआरटी में दे रखा है। आप लोगों को अगर एनसीईआरटी से पढ़ना हो तो आप एक बार वहाँ भी रेफर कर लेना। बाकी मैं दोस्तों आपको ये टॉपिक यहीं पर क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो शायद आपको ये टॉपिक समझ ना आए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। एंड दोस्तों ये यूपीएससी के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड पीसीएसई एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अलावा दोस्तों एसएससी में भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब ये थ्योरी किसने दी थी, मतलब इसके स्कॉलर का नाम वगैरह पूछ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये किसने दी थी? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने दी थी सन 1912 में। तो आगे की बात हम समझते हैं कि वेगनर साहब ने अब क्या बोला था। दोस्तों वेगनर साहब के हिसाब से कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है ना, आज के टाइम पे आप देखते हैं एशिया हो गया, यूरोप हो गया, उसके बाद साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका सब देखते हैं। वेगनर साहब ने बोला ये आज के टाइम पे ऐसे हैं, बट बहुत साल पहले ऐसा नहीं था। बहुत साल पहले उन्होंने बोला ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में चिपके हुए थे, कोई मतलब दो कॉन्टिनेंट थे ही नहीं। उन्होंने बोला सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट उन्होंने बोला, सिंगल कॉन्टिनेंटल मास, एंड उसको इन्होंने नाम दे दिया पैंजिया। उन्होंने बोला इसका नाम है पैंजिया एंड सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था पहले, एंड इसके आसपास जो पानी दिख रहा है इसको इन्होंने नाम दे दिया सुपर ओशन, मतलब पैंथेलासा। इन्होंने बोला सिर्फ एक ही, एक तरह से आप कह सकते हैं ओशन था आज के टाइम पे, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, काफ़ी ओशन आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। बट दोस्तों पहले इन्होंने बोला सिर्फ एक ही ओशन था जिसका नाम है पैंथेलासा। तो ये इनकी बात यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर दोस्तों इन्होंने बोला कि लगभग 200 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, मतलब इतने साल पहले क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि जो अभी एक कॉन्टिनेंट था ये टूटना स्टार्ट हो गया, इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया, कि जो पेंजिया था यानी जो सिंगल कॉन्टिनेंट मास था वो अब टूट के दो हिस्सों में हो गया। एक को इन्होंने नाम दे दिया दोस्तों लॉरेशिया एंड दूसरे को इन्होंने नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसके बारे में लिख भी रखा है दैट लॉरेशिया में क्या क्या था, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, मतलब लॉरेशिया से फर्दर टूट के कौन से कॉन्टिनेंट बने आज के टाइम के हमारे, नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप बना एंड एशिया बना, एंड साउथ ये जो सदर्न कॉन्टिनेंट्स हमारे किससे बने दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाले, ये गोंडवाना से बने, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पेनिनसुलर, इंडिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया, पहले इन्होंने बोला एक कॉन्टिनेंट, फिर इन्होंने बोला अब उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट के दो हो गया, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। फिर दोस्तों इन्होंने बोला कि 145 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, कि अब जो लॉरेशिया है एंड जो गोंडवाना लैंड है ये फर्दर टूटने स्टार्ट हो गए, एंड टूटने के साथ साथ अब इनका मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है दोस्तों, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे ऊपर की साइड अब ये चलना स्टार्ट हो गए। इन्होंने बोला कि अब ये जो गोंडवाना लैंड है एंड जो लॉरेशिया है इनका ब्रेकडाउन हो गया। आप देख रहे हैं लॉरेशिया दो हिस्सों में टूट गया एंड जो हमारा गोंडवाना है इसके भी दो चार टुकड़े हो गए हैं, ठीक है। एंड साथ साथ इनके टूटने के साथ साथ इन्होंने बोला कि अब इनकी मूवमेंट भी स्टार्ट हो गई है, ये अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं है। फिर दोस्तों इन्होंने क्या बोला कि लगभग 65 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, क्या बोला इन्होंने कि जो लॉरेशिया है एंड जो गोंडवाना लैंड का नॉर्दर्न वाला पार्ट है यानी जो ऊपर वाला पार्ट है ये नॉर्थ मूवमेंट इनकी हो रही है, ठीक है। एंड इन्होंने बोला कि गोंडवाना लैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वो कहाँ पे मूव कर रहा है, वेस्टवर्ड साइड, यानी अब यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं हो रही, अब दो डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये ऊपर भी जा रहे हैं प्लस साइड में भी जा रहे हैं यानी कि वेस्ट साइड में, ठीक है। तो ये इनकी नेक्स्ट पॉइंट था इनकी थ्योरी का। अब दोस्तों इन्होंने बोला कि इनफैक्ट जो गोंडवाना लैंड है एंड जो लॉरेशिया है ये आज के टाइम पे भी टूट रहे हैं, यानी कि जो आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट्स ही अभी भी इनका ब्रेकडाउन चल रहा है एंड आने वाले कुछ साल बाद, मतलब काफ़ी साल बाद ये फिर से इनका हमारे एक तरह से कह सकते हैं और कॉन्टिनेंट्स जुड़ जाएंगे वर्ल्ड मैप के अंदर इनके हिसाब से दोस्तों। एंड इनके मूवमेंट दोस्तों ये बोल रहे हैं अभी भी हो रही है, नॉर्थ साइड में इनका मूवमेंट चल रहा है, इनका मूवमेंट वेस्ट साइड में चल रहा है इनकी थ्योरी के हिसाब से। एंड मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टवर्ड भी लिखा है मूवमेंट में एंड नॉर्थवर्ड, यानी दोनों मूवमेंट इनकी चल रही है। एंड आज के टाइम पे दोस्तों आप देखिए यही हमारा वर्ल्ड मैप है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। अब एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों इसकी। इन्होंने पहले क्या बोला कि एक ही कॉन्टिनेंट था हमारे वर्ल्ड मैप में, दैट इज पेंजिया, एंड पेंथेलासा क्या था, सुपर ओशन। फिर उन्होंने बोला जो कॉन्टिनेंट है इसके दो टुकड़े हो गए, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड।
फिर इन्होंने बोला दोस्तों इनका फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब जो लॉरेशिया है इसके भी दो टुकड़े हो गए एंड गोंडवाना लैंड के भी दो तीन दो चार टुकड़े हो गए, ठीक है। फिर इन्होंने बोला इनके मूवमेंट स्टार्ट हो गई, नॉर्थवर्ड मूवमेंट एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट, एंड लास्ट में इन्होंने बोला कि आज के टाइम पे हमारा वर्ल्ड मैप ऐसा दिखता है। आप देख सकते हैं एशिया ऑस्ट्रेलिया सब मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आज के टाइम पे हमारा वर्ल्ड मैप ऐसा दिखता है। तो दोस्तों ये था इनकी थ्योरी। अब दोस्तों इन्होंने ऐसा तो है नहीं कि थ्योरी दे दी और सब इनकी बात मान लें, हाँ भाई आप बोल रहे हो सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे तो हम आपकी बात मान ले रहे हैं, बाकी जो साइंटिस्ट हैं बाकी जो स्कॉलर्स हैं सब इनसे क्या बोलेंगे कि भाई एविडेंस दो, हमें सबूत चाहिए कि जो आप बोल रहे हो कितने परसेंट सच है कितने परसेंट झूठ है। तो फिर ये कुछ एविडेंस लेकर आते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके उस एविडेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों इन्होंने जो एविडेंस दिया वो है जिग्सॉ पजल। जिग्सॉ पजल कैसे होता है दोस्तों, आपस में आपने बचपन में दोस्तों देखा होगा, हम लोग ऐसे पजल आपस में जोड़ते थे बचपन में, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने बोला कि अगर हम कॉन्टिनेंट्स को आपस में चिपका दें, जो आज के टाइम के कॉन्टिनेंट हैं उसको आपस में अगर हम चिपकाएंगे तो एक तरह से वो पजल की तरह फिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बोला अगर आप साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका को आपस में चिपका दोगे तो ये पजल की तरह बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। तो दोस्तों ये था इनका पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस इन्होंने बोला कि जो रॉक्स वगैरह होती हैं, जो माउंटेन्स हैं पहाड़ हैं, इन्होंने बोला कि जो अफ्रीका के माउंटेन्स हैं, मतलब जो इधर की साइड में माउंटेन्स हैं इनकी कोस्ट लाइन की साइड में, एंड जो साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन पे जो माउंटेन्स हैं जो रॉक्स हैं इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ साल पहले ये आपस में जुड़े हुए थे एंड बाद में टूट के अलग अलग हो गए, बट इनकी प्रॉपर्टीज आज भी सेम है, दैट इज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम है। फिर दोस्तों अगला जो इन्होंने एविडेंस दिया वो क्या था, टिलाइट का। अब टिलाइट क्या होता है दोस्तों, ग्लेशियर डिपॉजिट से जो एक तरह से रॉक वगैरह बनता है उसे हम कहते हैं टिलाइट। इन्होंने बोला कि अगर आप कॉन्टिनेंट को ऐसे जोड़ दोगे जैसे ये कह रहे हैं पजल के हिसाब से, तो आपको एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा। वो फॉर्मेट क्या है कि जैसे यहाँ पर इनका ये ग्लेशियर वाला पार्ट अफ्रीका में है, अमेरिका में ऐसा है इतना ग्लेशियर वाला पार्ट है, इंडिया में इतना है, अंटार्कटिका तो पूरा ही बर्फ वाला हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया का इतना। तो इन्होंने बोला आप अगर इनको जोड़ोगे तो आपको एक पैटर्न देखने को मिल जाएगा ऐसे कि एक तरह से इतना बर्फीला हिस्सा है एंड ऊपर का फिर नॉर्मल हिस्सा, ठीक है। तो इन्होंने टिलाइट का एग्जांपल दिया अगली बार। फिर दोस्तों इनका अगला एग्जांपल था प्लेसर डिपॉजिट। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ प्लेसर डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये है एक मिनरल, ठीक है, कोई भी मिनरल आप मान लीजिए, एंड ये एक माउंटेन के ऊपर है, ठीक है। अब माउंटेन पे दोस्तों आपको पता है नदियां भी बहती रहती हैं, यानी कि वाटर का फ्लो चलता रहता है वहाँ से, तो जो हमारे मिनरल्स हैं ये क्या हो गया, पानी इनको अपने साथ बहा के ले जाती है, यानी मतलब पूरा एक साथ नहीं पूरा एक रहता है, बट एक दो परसेंट यहाँ से इरोड करके क्या करती है, पानी अपने साथ ले जाती है, जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन रॉड्स, एंड फिर पानी ले जाके एक जगह सारे जो मिनरल्स हैं इनको कलेक्ट करके छोड़ देती है, पानी फिर आगे निकल जाता है। फिर दोस्तों क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि थोड़े से मिनरल्स कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए, इनके जो डिपॉजिट हैं ये नीचे आ गए, बट जो मिनरल्स का सोर्स है ये कहीं पहाड़ के ऊपर है, बट पानी अपने साथ थोड़े से मिनरल्स लेकर आ गया है। एंड दोस्तों प्लेसर डिपॉजिट इसे ही कहा जाता है। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब होता है कि हमें डिपॉजिट मिला है किसी चीज़ का, बट जो उसका सोर्स है वो बहुत ज़्यादा दूर है, एंड इसे ही कहते हैं हम प्लेसर डिपॉजिट। अब दोस्तों इसमें इन्होंने क्या एविडेंस दिया प्लेसर डिपॉजिट से रिलेटेड, इन्होंने बोला कि अफ्रीका के जो इधर वाला पार्ट है ना, ये मतलब जो लास्ट लाइन कोस्ट लाइन जो है, यहाँ पे इनको कुछ गोल्ड गोल्ड मिला, ठीक है, क्या मिला, गोल्ड यानी सोना मिला, बट ये पूरे अफ्रीका में ढूंढते रह गए, इनको कहीं भी सोने का सोर्स नहीं मिला, मतलब जो गोल्ड है उसका सोर्स नहीं मिला कि गोल्ड का टुकड़ा आ कहाँ से रहा है, यानी कि जो एक तरह से आप कह लीजिए गोल्ड की फैक्ट्री इनको नहीं मिल रही कि भाई ये गोल्ड पहाड़ में से कहाँ से टूट के आ रहा है बार बार। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने साउथ अमेरिका चेक किया, इन्होंने साउथ अमेरिका में देखा कि यहाँ पर भाई गोल्ड का एक तरह से मिनरल का उनको वो मिल गया कि पूरा बिल्डिंग ब्लॉक, कि यहीं से नदी ने बहाकर अफ्रीका में गोल्ड एक तरह से डिपॉजिट प्लेस किया होगा, जैसे नदियां ले जाती हैं ना, मैंने अभी आपको बताया। तो यही इनका एविडेंस है, इन्होंने बोला है कि अफ्रीका में गोल्ड के टुकड़े पाए गए, बट जो गोल्ड का सोर्स है वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, एंड साउथ अमेरिका में सोर्स है एंड गोल्ड के टुकड़े अफ्रीका में आ रहे हैं, एंड बीच में आज के टाइम पे तो दोस्तों अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
तो सब ये सोच रहे कि अब गोल्ड इतना ऐसे तो आ नहीं जाएगा अफ्रीका में, इसका मतलब इन्होंने बोला कि ये आपस में पहले जुड़े हुए थे, एंड जब ये जुड़े थे तो साउथ अमेरिका में जो मिनरल्स हैं माउंटेन के ऊपर, वहीं से टूट के नदी जो है वहीं से तोड़ के नदी क्या लेकर आ गई, प्लेसर डिपॉजिट लेकर आ गई गोल्ड के। तो यही लाइन दोस्तों यहाँ पे लिखी है, इन्होंने बोला कि जो अफ्रीका के अंदर वो है घाना कोस्ट है, वहाँ पर इनको क्या मिले, गोल्ड मिले, ठीक है, अलॉन्ग द कोस्ट लाइन, बट उसका जो सोर्स है वो वहाँ पे मिला ही नहीं, दैट इज लैक ऑफ इट्स सोर्स। तो इनको यही लगा कि जो ब्राज़ील है साउथ अमेरिका, एंड इन्होंने पाया कि वहीं पर उसका क्या है, ब्राज़ील प्लेट्यू में गोल्ड के डिपॉजिट्स वहाँ पर हैं, वहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं गोल्ड की फैक्ट्री उनको मिल गई। अब दोस्तों अगला इन्होंने दिया फॉसिल एविडेंस। फॉसिल एविडेंस क्या, अब मान लीजिए जैसे सपोज सपोज दोस्तों ये इस टाइप का मान लीजिए भारत का नक्शा, ये दोस्तों अभी बन नहीं रहा इसमें सही से, बट मान लीजिए जैसे कोई कोई जानवर है, ठीक है, वो यहाँ पे दिल्ली में रहता है, कोई जानवर है, मान लो कोई सा भी जानवर है, अब उसको मान लो चलना है, उसकी लाइफ है, एक जानवर का बर्थ हुआ फिर जानवर की डेथ होती है, ठीक है, तो जानवर दिल्ली का है बट वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसको पैदल चलना हो अपने, मान लो उसको कुछ खाना पीना ढूंढना होता है, तो जानवर लोग क्या करते हैं, अपने घूमते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, फिर खाते पीते रहते हैं, कहीं पर उनको ठिकाना मिलता है वहाँ रुकते हैं, फिर खाते हैं, फिर चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मान लीजिए दिल्ली का जानवर वो कितना चल लेगा, अगर उसको पैदल बोलोगे चलने को कि भाई अपनी ज़िंदगी भर कितना पैदल चलेगा, तो वो अपने खाने के लिए दिल्ली से दोस्तों ज़्यादा हरियाणा पहुंच जाएगा, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, ठीक है, दिल्ली से फरीदाबाद गुड़गांव मतलब इतनी रेंज में जाता है, एंड जब वो बुढ़ा हो जाता है फिर वहीं मर जाता है, मतलब एक छोटे से एरिया में जानवर लोग अपना अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, यहाँ से खाना खाना स्टार्ट किया, फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते खाना, जब लास्ट में बुढ़ापा आ गया तो एक जगह पर आके वो मर जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो दोस्तों हो नहीं सकता कि दिल्ली का जानवर है एंड जाके केरला में मर रहा है, इतना इतना डिस्टेंस तो एक ट्रैवल करेगा नहीं। तो दोस्तों यही एल्फ्रेड वेगनर साहब ने बोला, इन्होंने बोला इनको फॉसिल्स मिले, ठीक है, ऐसे फॉसिल्स इनको मिले कि जो साउथ अमेरिका में भी हैं एंड अफ्रीका में भी हैं, उसके बाद इनको मिला जो साउथ अमेरिका में भी है ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इन्होंने बोला कोई जानवर ऐसा तो है नहीं कि पैदा हुआ साउथ अमेरिका में फिर खाना ढूंढते ढूंढते पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में एंड वहां जाके उसकी मृत्यु हो गई, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इनको फॉसिल्स मिले, इन जानवर के फॉसिल्स जो साउथ अमेरिका में जानवर थे यही सेम फॉसिल इनको ऑस्ट्रेलिया में मिले। तो इन्होंने बोला कि अगर हम कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ देंगे ना तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि जानवर ने ऐसे ट्रैवल किया कैसे, आप ये जो मैंने लाइन बना रहा हूँ आप देखिए, इन्होंने बोला कि जानवर ने साउथ अमेरिका से चलना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे, एंड फिर उसको खाना ढूंढते ढूंढते वो कैसे पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि पहले तो दोस्तों ये कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, तो जब आपस में जुड़े हुए थे तब तो जानवर ट्रैवल कर सकता था यहाँ से, ठीक है, ऐसे ट्रैवल करते करते वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, एंड फिर जब बाद में कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए तो इसलिए इनके फॉसिल्स यहाँ भी मिले एंड वहाँ भी मिले। बट अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें, कोई ऐसा तो करेगा नहीं यहाँ से उड़ के सीधा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए, फॉसिल्स दोस्तों सेम जानवर के ही मिल रहे हैं। तो यही इनका अगला एविडेंस था, ठीक है, कि अगर हम ऐसे कॉन्टिनेंट को जोड़ देंगे तो जो फॉसिल्स हैं ये एक डेफिनेट पैटर्न हमें शो करेगा। अब दोस्तों इन्होंने पहले तो बोल दिया कि कॉन्टिनेंट सात क्यों थे, इसके एविडेंस दिए, ठीक है। अब इनसे पूछा कि कॉन्टिनेंट जो आप कह रहे हो भाई साहब कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड भी एंड वेस्टवर्ड भी, तो अब इसका एविडेंस दीजिए। तो इन्होंने दो फोर्स बताई, दैट इज पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। तो जो पहला था पोलर फ्लिंग फोर्स, इसको इन्होंने बोला ये किस वजह से है, रोटेशन ऑफ द अर्थ, आपको पता है दोस्तों हमारी पृथ्वी घूमती रहती है, एंड इन्होंने बोला हमारी पृथ्वी घूमती रहती है यही एक कारण है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स भी घूम रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, पहला इन्होंने दोस्तों ये बोला। फिर इनसे पूछा वेस्ट साइड में क्यों हो रहा है, तो इन्होंने बोला टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है दोस्तों, इन्होंने बोला टाइडल फोर्स का मतलब है कि जो हमारे चांद हैं, यानी चांद एंड सूरज हैं, मून एंड सन, इनकी जो अट्रैक्शन होती है इसकी वजह से हमारे जो ओशियनिक वाटर्स में क्या होता है टाइड्स उत्पन्न होती है, एंड इसी की वजह से हमारी वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो इन्होंने ये दो फोर्स दिया कि किस वजह से मूवमेंट हो रही है। अब दोस्तों इनकी थ्योरी के कुछ नेगेटिव्स हैं, यानी जो स्कॉलर्स हैं बाकी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इनकी काफ़ी बुराइयां की कि भाई तुम तो हवाबाजी करके चले गए, आधे आधी झूठ आधी सच ऐसे कुछ भी हवा में बोल के चले गए। तो नेगेटिव क्या है दोस्तों, नेगेटिव है इन्होंने सिर्फ ढाई, नेगेटिव पहला पॉइंट है कि इन्होंने सिर्फ 250 मिलियन पहले से
बोलना स्टार्ट किया, बल्कि जो हमारा अर्थ कॉन्टिनेंट ये सब दोस्तों 4000 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट बनाया गया था। तो सारे साइंटिस्ट लोग यही बोल रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है कि सारे कॉन्टिनेंट एक साथ थे तो आपने सिर्फ 250 मिलियन से क्यों स्टार्ट किया, आप 4000 मिलियन इतने पुराने डेटा लेकर आओ तो अब हम आपकी बात माने भी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या दिया था कि नॉर्थवर्ड एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, एंड बाकी जो साइंटिस्ट लोग हैं एक तरह से वो कहते हैं सिर्फ दो डायरेक्शन में मूवमेंट थोड़ी होती है, मूवमेंट तो ऑल डायरेक्शन में होती है, यानी सभी डायरेक्शन में हमारे कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, उसके बाद दोस्तों ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, एंड उसके बाद जो इन्होंने फोर्स बताया था ना कि पोलर फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, वो बाकी साइंटिस्ट लोग बाकी जो स्कॉलर्स हैं उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने बोले ये कुछ भी फालतू बकवास कर रहे हैं, इनएडिक्वेट डेटा है, इनके पास कोई एक तरह से ठोस सबूत नहीं है। फिर दोस्तों इन्होंने अगली बात बोली कि इन्होंने बोला कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं सिर्फ वही मूव कर रहे हैं, एंड जो हमारा सी फ्लोर है ओशियनिक फ्लोर है वो फिक्स्ड है, बट ये बात भी दोस्तों बाद में रॉन्ग पाई गई। हमारे बाद में प्लेट टेक्टोनिक एक टॉपिक है दोस्तों, इसमें बताया गया था कि हमारे ओशियनिक फ्लोर्स भी मूवमेंट करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, ये दोस्तों ज्योग्राफी में ही है 11th क्लास में, तो आप वहां से ये रेफर कर सकते हैं। तो इनके ये पॉइंट भी नेगेटिव में आ गया। अब दोस्तों इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव क्या है कि ये सबसे पहले व्यक्ति थे बताने के मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स का, बताने वाले मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स का, इससे पहले किसी को अंदाजा भी नहीं था दोस्तों कि मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। इनसे पहले दोस्तों दो साइंटिस्ट मतलब दो स्कॉलर्स और भी थे, अब्राहम एंड एंटीनियो करके समथिंग दो और भी थे, बट उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया था, बस उन्होंने ऐसे ही बोल दिया था मुझसे कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, बट अल्फ्रेड वैगनर साहब ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एविडेंस के साथ ऐसी बात करी थी। ठीक है, तो ये इनका पॉजिटिव पॉइंट था। एंड दूसरा क्या दोस्तों कि इनके कुछ एविडेंस ट्रू भी थे, आपने देखा कि अगर हम पजल की तरह जोड़ के देखते हैं साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका को, तो वो एक तरह से फिट भी हो रहे थे, यानी इनकी सारी बातें तो गलत थी नहीं, कुछ बातें इनकी सही भी थी। एंड तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या है कि इनको सब लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे, इनकी जो कमजोरी थी, इनकी कमजोरी की वजह से ही दोस्तों बाकी स्कॉलर्स ने आगे पढ़ाई करी, एंड जो इनकी कमजोरी थी इन उसको पूरा किया, यानी कि एक तरह से इनकी कमजोरी की वजह से, इनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसकी वजह से हम लोगों ने आगे पढ़ाई करी, आगे इन्वेंशन करी, एंड फिर क्या किया दोस्तों हमें आज हमारे अर्थ के बारे में थोड़ी और जानकारी हो गई। तो हमें जो अर्थ के बारे में जानकारी है दोस्तों इनमें भी अल्फ्रेड वैगनर साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो आप ये याद रखना अल्फ्रेड वैगनर साहब ने थ्योरी दी थी, एंड एनसीईआरटी में भी दोस्तों अगर आप ये पढ़ेंगे अब आपको समझ आ जाएगा ये टॉपिक। बाकी मेरी पीपीटी की भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। सबसे पहले तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को इतनी देर तक देखा, एंड आगे भी दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बाकी आपका कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।